से जो फॉर्मूला आया था आर इज इक्वल टू एम एल बाई एन ए स्क्वायर इंटू टा, ओके, तो इसमें एम बाई एन स्क्वायर टाउ ये कांस्टेंट है, एन बाई ए, ओके, मास ऑफ एम, एम स्टैंड फॉर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसका वैल्यू 9.1 × 10⁻³ के जी है, ये कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और एन इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और टाउ रिलैक्सेशन टाइम, ये कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट होने से आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए हो जाएगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए हो जाएगा, दैट मींस और लेंथ का साथ वो क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है रेजिस्टेंस का और ए का साथ इनवर्स रिलेशन है, एल का ए का साथ इनवर्स रिलेशन है, ओके, दैट मींस रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स, व्हाट आर दे, ना लेंथ एंड एरिया क्रॉस सेक्शन, so therefore there are two laws of resistance, one is law of length, okay, that is R directly proportional to L, kab hoga, now when A is constant, that means resistance of a conductor is directly proportional to its length when area of cross section is kept constant, जब एरिया क्रॉस सेक्शन को कांस्टेंट रखेंगे तो रेजिस्टेंस का लेंथ का साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, लेंथ ज्यादा आने से रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, उसका बाद है एरिया क्रॉस सेक्शन, लॉ ऑफ एरिया क्रॉस सेक्शन, सेकंड इज द लॉ ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, law of area of cross section symbol capital A, ठीक है, it states that resistance of a conductor is inversely proportional to its area of cross section when length of the conductor is kept constant, that means R inversely proportional to A हो जाए, that is your mathematical, कब होगा, now when L is constant, length of the conductor constant होने से ये constant हो जाए, ठीक है, ये दोनों को कंबाइन कर देंगे, कंबाइनिंग दिस टू फैक्टर्स तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए हो जाएगा, और आर इज इक्वल टू ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी दैट इज कॉल्ड द रो, दैट इज कॉल्ड द रो, रो हो जाएगा, सो वेयर रो इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मेटेरियल ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मेटेरियल ऑफ द कंडक्टर, दैट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ओके, फ्रॉम इक्वेशन वन से उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी का, तो रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल हो जाएगा, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ मेटेरियल ऑफ कंडक्टर का फॉर्मूला है, ठीक है, तो इफ एल इज इक्वल टू वन यूनिट एंड A is equal to 1 unit, then a particular condition में rho is equal to R हो जाए, rho equal to R कब होगा, ना resistivity of the metal of conductor is equal to the resistance of the conductor, कब होगा, ना when area of cross section is 1 unit and length of the conductor is also 1 unit, that means it is defined as the resistance of the conductor, made up of material of unit length and unit area of cross section, जो material में उसको बनाएंगे उसका length क्या होगा, 1 unit होगा and उसका area of cross section 1 unit होगा, तभी resistivity equal to R होगा, resistance of the conductor होगा, but actually उसका formula है rho is equal to R A by L,
जैसे कि रेजिस्टेंस किसका पर डिपेंड करता है, ज्योमेट्रिकल शेप एंड साइज कॉन्फ़िगरेशन का पर डिपेंड करता है, उसका लेंथ का पर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का पर डिपेंड करता है, बट इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द ज्योमेट्रिकल शेप एंड साइज। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उसका पर डिपेंड नहीं करता है, किसका पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द मटेरियल, मटेरियल का पर डिपेंड करेगा। जैसे कि दो कंडक्टर है, दो कंडक्टर सेम मटेरियल में बनाए, जैसे कि आयरन में बनाए, तो उसका रेजिस्टिविटी सेम हो जाएगा। अब दो कंडक्टर, दो बार दो कंडक्टर, एक है तुम्हारा आयरन, दूसरा है कॉपर का सिल्वर में बना है, तभी रेजिस्टिविटी डिफरेंट हो जाएगा। वो ज्योमेट्रिकल शेप एंड साइज का ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ओनली डिपेंड अपॉन द नेचर नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, उसका ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो उसका डेफिनेशन हो गया, इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर मेड अप ऑफ मटेरियल ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन। तो हम लोग का इसका यूनिट एसआई सिस्टम में क्या यूनिट होगा, यूनिट इन एसआई सिस्टम में क्या होगा, ना रेजिस्टेंस का यूनिट क्या था, वो एरिया का यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर, नीचे हो गया मीटर तो कैंसिल हो गया, दैट मींस क्या हुआ ना ओम इनटू मीटर, उसका ऐसा यूनिट है ओम इनटू मीटर। किसका यूनिट है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल कंडक्टर। और इन सीजीएस सिस्टम इन ईएस में इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में क्या हो जाएगा, ना स्टार्ट ओम इनटू सेंटीमीटर। ठीक है, तो ओम का जो डायमेंशनल फॉर्मूला था क्या था, एम वन एम टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू था, अभी एल एक इंक्रीज किया तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, खाली एम इंक्रीज करेगा, ओम इंटू मीटर, एम वन एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस टू हो जाएगा, एम वन एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस टू हो जाएगा। किसका डायमेंशनल फॉर्मूला, ना स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का और रेजिस्टिविटी ऑफ मेटेरियल ऑफ द कंडक्टर का। ठीक है, नेक्स्ट हो गया तुम्हारा कंडक्टेंस, नेक्स्ट हुआ कंडक्टेंस, कंडक्टेंस ये सिंबल जी है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड द कंडक्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड द कंडक्टेंस। तो जी इक्वल टू 1 by R, उसका डिफरेंस फॉर्मूला लिख देंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मूला नहीं, तो ओम्स लॉ से R इज इक्वल टू क्या था, V by R, तो G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I by V। अगेन ओम्स लॉ का डेरिवेशन से R इज इक्वल टू ML by LA स्क्वायर इनटू टाउ था, अभी G हो जाएगा क्या ना LA स्क्वायर इनटू टाउ by ML। अभी जो बताया था आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए था, अभी वो क्या हो जाएगा ना जी इज इक्वल टू ए बाई रो एल हो जाएगा। इसका डिफरेंट टाइप का फॉर्मूला है, कब क्या दिया जाएगा, किस रिलेशन है उसको निकाल सकते हैं यहाँ से। दैट मीन्स जैसे कि रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस रिलैक्सेशन टाइम का साथ क्या रिलेशन था, इनवर्स, वो रिलैक्सेशन टाइम का साथ डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो उसका यूनिट, यूनिट क्या होगा ना, यूनिट हो जाएगा 1 बाय ओम, और दैट इज कॉल्ड द ओम इनवर्स और मो, और मो, और इसे सिंबल हो जाएगा मो, उसका यूनिट है ओम इनवर्स और मो, और साइमन होता है। ये था कंडक्टेंस, कंडक्टेंस मींस रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। नेक्स्ट स्टडी है कंडक्टिविटी, नेक्स्ट स्टडी है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी वो है सिग्मा, कंडक्टिविटी इक्वल टू सिग्मा। ठीक है, तो जैसे कंडक्टेंस रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, सिमिलरली कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो सिग्मा इक्वल टू सिग्मा इक्वल टू 1 बाय रो, सिग्मा इक्वल टू 1 बाय रो, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय रो का फॉर्मूला अभी क्या था आर ए बाय एल, सो दैट इज इक्वल टू एल बाय आर ए हो जाएगा।
ठीक है, तो उसका भाग क्या था, ये जो ओम प्लस आर इज इक्वल टू एम एल बाई एन ए स्क्वायर इनटू टाउ, तो उसको करने से एम बाई एन स्क्वायर टाउ इनटू एल बाई ए, तो इसका मतलब रो हो गया, तो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, दैट मींस रो का वैल्यू क्या हो गया एम बाई एन स्क्वायर टाउ, यहां से मिला आर रो इज इक्वल टू एम बाई एन स्क्वायर इनटू टाउ, तो उसको वैल्यू पुट करने से सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाय m बाय n स्क्वायर टाउ, दैट इज इक्वल टू n स्क्वायर टाउ बाय n, ये हो गया कंडक्टिविटी। ठीक है, ये कंडक्टिविटी का फॉर्मूला। नेक्स्ट उसका यूनिट क्या होगा, तो रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट क्या था ना, ओम इनटू मीटर, उसका हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, यूनिट हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स और मो मीटर इनवर्स हो जाएगा। सीजीए सिस्टम में क्या होगा ना, स्टार्ट मो इनटू सेंटीमीटर इनवर्स, ये सीजीए सिस्टम में हो जाएगा स्टार्ट मो। ठीक है, तो उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था, कंडक्टिविटी का जाता रिवर्स हो जाएगा, कंडक्टिविटी में क्या था m1 l3 d minus 3 a minus 2, तो ये जो जो भी पॉजिटिव था ये रेसिप्रोकल है तो माइनस हो जाएगा, जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, इसलिए उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा m minus 1 l minus 3 d 3 a 2, सिमिलरली कंडक्टेंस की भी सेम है, कंडक्टेंस में क्या होगा रेजिस्टेंस जो था वो जो रेजिस्टेंस में क्या था m1 l2 t minus 3 a minus 2, तो ये भी m minus 1 l minus 2 t 3 a 2 हो जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट उसका बाद है तुम्हारा ये रेजिस्टेंस टेंपरेचर के साथ कैसे रिलेशन है, वेरिएशन कैसे हो रहा है, टेंपरेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस का क्या फर्क पड़ता है, क्या चेंज होता है, हाउ दे आर रिलेटेड, उसका बीच में रिलेशन क्या है, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेंपरेचर, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेंपरेचर। ओके, इसमें RT, लेट RT इक्वल टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर आठ टी डिग्री सेल्सियस। ओके, जब टेम्परेचर टी डिग्री सेल्सियस होगा एट दैट टाइम रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड आर टी, तो यू कैन राइट इसे इसे भी लिख सकते हैं आर टी डजंट मैटर। ओके, अब एंड आर नॉट इसे आर नॉट इक्वल टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर उसका रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर बिकम्स आरटी हो गया, तो चेंज इन रेजिस्टेंस डेल्टा इक्वल टू किसका सर सेम है आर टी माइनस आर नॉट, चेंज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट का सर सेम है, वो किसका पर डिपेंड करेगा, ना डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स, फर्स्ट बिट में ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ओरिजिनल रेजिस्टेंस मींस आर नॉट, वो आर नॉट का पर ऊपर में किससे डिपेंड करता है, दैट इज वो डेल्टा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट, तो ओरिजिनल रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा तो ये क्या होगा चेंज इन रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस, तो उसका पर डिपेंड करेगा, कैसे डिपेंड करेगा ना डायरेक्टली डिपेंड करेगा। उसका बाद है सेकंड बिट में, तो क्या है चेंज इन टेंपरेचर, चेंज इन टेंपरेचर और राइज इन टेंपरेचर, वो क्या हो गया डेल्टा टी, चेंज इन टेंपरेचर और राइज इन टेंपरेचर डेल्टा टी, तो दैट इज That is delta r is directly proportional to delta t. ज़्यादा temperature रहने से, ज़्यादा temperature rise करने से,
ज्यादा रेजिस्टेंस लग जाएगा, चेंज ज्यादा होगा, तो दोनों डायरेक्ट रिलेशन है। अभी दोनों को कंबाइन कर देंगे, तो दोनों को कंबाइन कर देंगे, कंबाइन करने से क्या मिलेगा, कंबाइन करने के बाद हम लोग क्या मिलेगा, ना डेल्टा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट इनटू डेल्टा टी, और दिस इंप्लाई दैट डेल्टा इक्वल टू अल्फा आर नॉट इनटू डेल्टा टी, इक्वेशन 1 है। तो यहां पर जो अल्फा है, वेयर अल्फा इक्वल टू क्या है, ना अल्फा इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी नोन एज टेंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, नोन एज टेंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ टेंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यहां से मिला, इक्वल साइन देने का बाद मिला, सो दैट इज नोन एज द टेंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज अल्फा। तो ये फार्मूला से अल्फा क्या होगा, ना अल्फा इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन 1 से डेल्टा आर बाय आर नॉट इनटू डेल्टा टी, ये इसका एक्चुअल फार्मूला है, इसका एक्चुअल फार्मूला है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, ना इफ आर नॉट इक्वल टू 1 यूनिट, ओरिजिनल रेजिस्टेंस 1 यूनिट होगा, एंड डेल्टा टी, एंड डेल्टा टी राइजिंग टेंपरेचर 1 डिग्री सेल्सियस, राइजिंग टेंपरेचर 1 डिग्री सेल्सियस, तभी क्या होगा, ना देन अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा आर। अल्फा का एक्चुअल फार्मूला क्या है, ना चेंज इन रेजिस्टेंस बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस इन जो चेंज इन टेंपरेचर, तब बट पर्टिकुलर कंडीशन में उसका वैल्यू डेल्टा आर का साथ सेम हो जाएगा। कौन सा कंडीशन, ना जब ओरिजिनल रेजिस्टेंस 1 यूनिट हो जाएगा एंड चेंज इन टेंपरेचर और राइजिंग टेंपरेचर 1 डिग्री सेल्सियस होगा। ओके, तो it is defined as the change in resistance per unit original resistance per degree centigrade rise in temperature, it is defined as the change in resistance per original resistance per unit original resistance per degree centigrade rise in temperature। jo conductor hai uska resistance initially 1 tha, 1 unit tha, original resistance 1 unit tha, उसका टेम्परेचर को कितना राइज करेंगे, ना 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए, करने के लिए जो चेंज इन रेजिस्टेंस होता है, जो रेजिस्टेंस चेंज होता है, दैट चेंज इन रेजिस्टेंस इज कॉल्ड द अल्फा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो उसका यूनिट क्या है, कौन सा यूनिट उसको मेजर करेंगे, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला में अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा आर मींस चेंज इन रेजिस्टेंस ओम है, नीचे ओम है, इनटू चेंज इन टेंपरेचर एसआई यूनिट में केल्विन, तो ये ओम है, ओम, तो ये ओम ओम कैंसिल हो गया, तो ये हो गया केल्विन नॉट्स, तो ये एसआई सिस्टम में ये एसआई यूनिट, ये एसआई यूनिट किसका एसआई यूनिट है, टेंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज अल्फा, अल्फा का ये यूनिट एसआई यूनिट। और सीजीएस सिस्टम में क्या हो जाएगा, इन सीजीएस सिस्टम तो इस बिटर बिकम्स डिग्री सेल्सियस इन नॉट्स, तो इसलिए उसका डायमेंशनल फार्मूला है m0 l0 t0 k minus 1, ओनली k minus 1 यू कैन राइट, तुम लोग k minus 1 लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो उसका बाद है, ये यूनिट हो गया, डायमेंशनल फार्मूला हो गया, उसका बाद है जो इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 तो क्या था, ना डेल्टा आर इक्वल टू अल्फा आर नॉट इनटू डेल्टा टी, हम लोग क्या करेंगे, ऑलरेडी मालूम है डेल्टा आर मींस चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस मींस फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस, उसका प्लेस में वी कैन राइट आरटी माइनस आर नॉट, आरटी माइनस आर नॉट, उसका प्लेस में आरटी माइनस आर नॉट पुट कर देंगे, तो ये हो गया अल्फा आर नॉट इनटू डेल्टा टी, और दिस इंप्लाई दैट rt हो जाएगा, यस इसको प्लस r नॉट प्लस अल्फा r नॉट इनटू डेल्टा t, अभी r नॉट कॉमन ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा t, rt इज इक्वल टू r नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा t, ये हो गया
इक्वेशन नंबर थ्री। ये जो इक्वेशन थ्री अभी बताया, ये कौन सा कंडीशन में अप्लाई होगा, कब अप्लाई करेंगे, कब उसको यूज करेंगे? नहीं, जब इनिशियल रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर नोन टू यू, इनिशियल रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर नोन टू यू, दैट मींस रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज नोन टू यू, एंड अल्फा तो मेटेरियल का दिया जाएगा, मेटेरियल टू मेटेरियल वेरी करेगा, और वी हैव टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एट एनी अदर टेंपरेचर। दूसरा टेंपरेचर में उसका रेजिस्टेंस को निकालने के लिए तभी ये फॉर्मूला यूज करेंगे, नहीं तो 0 डिग्री सेल्सियस में रेजिस्टेंस दिया जाएगा, एनी अदर टेंपरेचर में रेजिस्टेंस दिया जाएगा, तो इसके लिए अल्फा निकालेंगे, यहां से अल्फा मिल जाएगा, तो ये फॉर्मूला यहां पर यूज होता है। ठीक है, तो जब हमेशा तो 0 डिग्री सेल्सियस में कंडक्टर नहीं देगा, दूसरा टेंपरेचर दिया है एक्सेप्ट 0 में दिया है, तो एनी अदर टेंपरेचर में कैलकुलेट करने के लिए बोला है, जैसे कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज 30 डिग्री इज 15 ओम, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एट 80 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस में उसका वैल्यू क्या होगा, हाउ टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एट 80 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो कैसे निकालेंगे उसका फॉर्मूला अभी बनाएंगे। That means if R1 equal to resistance of conductor at T1 degree Celsius, resistance of conductor at T1 degree Celsius, and R2 equal to resistance of अभी दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो R2 by R1 equal to 1 plus alpha T2 divided by 1 plus alpha T1 हो गया। ठीक है, अभी उसको ऊपर ले लेंगे, तो 1 plus alpha T2 whole into 1 plus alpha T1 whole to the power minus 1, एक बाइनोमियल थ्योरम है, क्या है, 1 plus x to the power n equal to 1 plus nx हो जाएगा, कब होगा, if x much less than 1 है से, if x much less than 1 है से, तो ये जो पावर है वो फैक्टर बन जाएगा सेकंड टर्म का। सिमिलरली यहाँ पर ये जो सेकंड पार्ट में 1 plus alpha T1 whole to the power minus 1 है, तो उसका जो पावर माइनस 1 है उसका साथ को फैक्टर हो जाएगा, दैट मींस 1 plus alpha T2, इसमें क्या हो जाएगा, इन में को फैक्टर प्लस माइनस माइनस हो गया अल्फा टी वन, ऐसे हो गया। ये कंडीशन ड्यू टू दिस कंडीशन दिस इज कॉल्ड द बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो बाइनोमियल थ्योरम बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक पर्टिकुलर कंडीशन है 1 plus x to the power n equal to 1 plus nx। ये कब होता है, द इफ x मच लेस देन 1 n से, सेकंड पार्ट कम n से, मच लेस देन 1 n से। ठीक है, तो अभी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे R2 by R1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 into 1 1 हो गया, माइनस अल्फा टी वन प्लस अल्फा टी टू प्लस अल्फा टी टू माइनस अल्फा स्क्वायर टी वन टी टू। ठीक है, ये जो अल्फा टर्म होता है, अल्फा हमेशा ऐसे अल्फा इज इक्वल 5.7 × 10⁻⁷ - 7 - 6 - 4 - 5 ऐसे टर्म आता है, तो अल्फा इज वेरी स्मॉल, तो उसका स्क्वायर करने से, हायर पावर करने से, क्यूब करने से और ज्यादा छोटा हो जाएगा, तो इसके लिए उसका हायर पावर, ये जो टर्म है ये हायर पावर को नेगेट कर देगा, सिंस अल्फा इज वेरी स्मॉल, सो नेगलेक्टिंग द टर्म, कौन सा टर्म को नेगलेक्ट कर देंगे ना, अल्फा स्क्वायर टी वन टी टू, इसको नेगलेक्ट कर देंगे, ये नेगलेक्ट हो जाएगा, तो नेगेट करने के बाद क्या मिलेगा, ये तो नेगेट हो गया, अभी क्या मिलेगा ना, R2 by R1 equal to 1 minus
अल्फा टी वन प्लस अल्फा टी टू। अभी वन प्लस अल्फा कॉमन ले जाएंगे, वन प्लस अल्फा कॉमन ले जाएंगे, कॉमन लेने से क्या हो जाएगा ना टी टू माइनस टी वन, टी टू माइनस टी वन हो गया। तो आर टू बाई आर वन इक्वल टू वन प्लस अल्फा होल इंटू टी टू माइनस टी वन। और दिस इम्प्लाई दैट आर टू इज इक्वल टू वन प्लस अल्फा दिस आर वन, आर वन उधर मल्टीप्लाई कर देंगे होल इंटू वन प्लस अल्फा टी टू माइनस टी वन। ठीक है, ये जो इक्वेशन ये था फोर, ये जो इक्वेशन फोर मिला, ये जो इक्वेशन हम लोग अभी फोर निकाले तो कहां पर यूज करेंगे, कहां पर यूज करेंगे ना जब क्या होगा ना एक टेम्परेचर जीरो से जीरो से डिफरेंट वैल्यू है, 30 डिग्री में दिया जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, आर वन दिया जाएगा, वी हैव टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एट एनी अदर टेम्परेचर, 50 डिग्री 60 डिग्री 70 डिग्री 80 डिग्री जो भी टेम्परेचर में निकलना है तभी वो फॉर्मूला यूज करेंगे। जीरो डिग्री में नहीं दिया जाएगा तो दूसरा टेम्परेचर में है तो हम लोग को एक दूसरा टेम्परेचर में निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये हो गया आर टू आर वन का रिलेशन। तो इसमें जो हम लोग अभी बताया तो हम लोग क्या बताया अल्फा का फॉर्मूला इसे था, अल्फा इक्वल टू डेल्टा आर बाय आर नॉट इनटू डेल्टा टी था नहीं, तो इसके लिए डेल आर आर टी माइनस आर नॉट बाय आर नॉट इनटू डेल्टा टी, डेल्टा टी ठीक है, डेल्टा टी है। इफ आर टी ग्रेटर देन आर नॉट होगा, फाइनल रेजिस्टेंस इनिशियल रेजिस्टेंस से ज्यादा है, इफ फाइनल रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन द इनिशियल रेजिस्टेंस देन ये जो फॉर्मूला से अल्फा इज पॉजिटिव, अल्फा पॉजिटिव होगा, अल्फा मीन्स टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस उसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा तब ना जब फाइनल रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन द इनिशियल रेजिस्टेंस, दैट मीन्स व्हाट इज द कंक्लूजन ना द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर ज्यादा आने से उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो एग्जांपल क्या है, ऑल मेटालिक कंडक्टर्स, ऑल मेटालिक कंडक्टर्स एंड मोस्ट ऑफ एलॉयज, मोस्ट ऑफ एलॉय एलॉयज ठीक है। अब इफ सेकंड केस में इफ आर टी लेस देन आर नॉट, इफ आर टी लेस देन आर नॉट रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज लेस देन द रेजिस्टेंस ऑफ द फाइनल रेजिस्टेंस इज लेस देन द इनिशियल रेजिस्टेंस तभी क्या होगा देन अल्फा इज नेगेटिव, ये कंडीशन में अल्फा नेगेटिव होगा माइनस में आएगा, दैट मीन्स ये क्या है द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिक्रीज करेगा विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये एग्जाम्पल क्या है कार्बन और सेमी कंडक्टर, कार्बन और सेमी कंडक्टर में होता है जैसे कि जर्मानियम, जर्मानियम और सिलिकॉन, जर्मानियम सिलिकॉन में होता है, कार्बन और सेमी कंडक्टर में एग्जाम्पल आता है व्हेन ए कार्बन कंडक्टर टेम्परेचर